हमारा यही एक निवेदन है कि बजट जो भी आएगा तो वो इस हिसाब से आना चाहिए कि जो स्वास्थ्य है, जो फूड मिलता है वो फूड अच्छा मिलना चाहिए, और खास करके आमतौर पे जो लोगों को जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अच्छी तरह मिलनी चाहिए, ये हमारा निवेदन। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुरारी सिंह हुआ। आज यूनियन बजट आने वाला है तो आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि अच्छी होगी, जो भी होगा हमारी गवर्नमेंट हम लोग के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो ईयरली या 6 मंथ्स आफ्टर 8 मंथ्स मैं विजिट करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। मैं दुबई से आ रहा हूँ अभी, एंड माई फैमिली इज़ कमिंग। तो 2 घंटे ट्रेन डिले चल रहा है, मैं ऑलमोस्ट 4 o'clock अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया था। तो वहाँ से एक्सप्रेस जो ट्रेन है कुछ मेट्रो करके, तो मैं 5 बजे यहाँ पहुँच गया। बट ट्रेन के शेड्यूल थोड़ी वेदर के कारण डिस्टर्ब है, लेकिन हम लोग को एजुकेट होना ज़रूरी है, हम लोग को अवेयर होना ज़रूरी है। हम केवल गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दे आर डूइंग मच बेटर इन दिस 21st century। हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उस उम्मीद के साथ हमारे जो ऑलमोस्ट 1.40 करोड़ लोग जो हैं इस देश में, यदि वो सोचने लगे तो हमें लगता है कि कोई भी लोग इस तरीका से कमेंट नहीं करेगा। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2015 से मैं दुबई में हूँ, एंड यहाँ के आज के डेट में जब हम लोग बाहर जाते हैं, जो पहले जैसे डिस्टर्ब करते थे लोग, आज के डेट में वैसा डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं, बजट तो हमारा अच्छा ही आएगा, जो भी आएगा हमारे इंडियन सिटीजन्स के उम्मीद जो है वो, देखिए डिजिटल हो रहा है चीज़ें, लेकिन लोगों को यहाँ से डिजिटल होना ज़रूरी है, उनके हार्ट डिजिटल होने ज़रूरी है। उनके पास आज के डेट में एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी अपडेटेड फ़ोन आ रहे हैं वो सारे चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को अवेयर नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा टिकट वेटिंग लिस्ट में हो रहा है। आप पहले से प्लान करो, आपको ट्रैवल क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है।